नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक सरल तंत्र की विधि, जितना सरल उतना इफेक्टिव है, और इसको जैसे ही आप अभ्यास में लाएंगे आपको इसका असर दिखेगा। और इस विधि से स्वयं एक समय मेहर बाबा सिद्ध हुए और उनके अंदर की आंतरिक शक्ति का उनको बोध हुआ। विज्ञान भैरव तंत्र, जो तंत्र की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, जिसमें स्वयं शिव 112 विधि बताते हैं ध्यान की, और वो सभी विधियां बहुत सरल है, क्योंकि सरलता ही आपके जीवन में रूपांतरण लाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, बहुत क्लिष्ट चीजें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाती है, और तंत्र का यही अप्रोच रहा है। भले ही बात के कालखंड में तंत्र की दुर्गति हुई, क्योंकि गलत हाथों में तंत्र आ गया। जैसे योग कभी गलत हाथों में आ जाए तो थोड़ी दुर्गति उसकी शुरू हो गई है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम फिर से योग और तंत्र के हायर साधना के विधि को स्थापित करें। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि जो आज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें तंत्र कहता है कि लेट जाओ इस तरह से जैसे तुम मृत पड़े हुए हो, और फिर टकटकी लगाए एक बिंदु को देखते रह जाओ। आप इस तरह से लेट जाएं जैसे कि शरीर मृत हो गया हो, मरा पड़ा हुआ हो, जिसको योग में शवासन विधि भी करते हैं। और फिर जब शरीर पूरी तरह से निस्तेज हो जाए, लगी कुछ है ही नहीं, लाइटनेस को प्राप्त हो गया, शरीर जैसे जमीन में खो गया, फिर आप अपनी दृष्टि को एक जगह फिक्स कर लो और बिना पलकों को झपकाए एक बिंदु को देखते रहो। नेचुरली पहले पलक झपकेंगे, लेकिन आपका वो जो बिंदु है, दृष्टि है, वो चेंज ना। और लगातार अगर आप इस विधि के साथ चलते जाएंगे तो एक बड़ा ही दिव्य रूपांतरण आएगा। शुरुआत में होगा कि आपको नींद आएगी, रिलैक्सेशन आएगा, क्योंकि सबसे पहले शरीर की ही रिक्वायरमेंट है कि हम रिलैक्स तो पहले हो जाएं। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन आएगा, आने दें उसे। और फिर जब नींद से उठे, फिर उसी अवस्था से, उस लाइटनेस जो आपके शरीर में प्राप्ति हुई है, आप फिर से दृष्टि को एक जगह टकटकी लगा के देखें। तंत्र की इस विधि को बाद में मेहर बाबा ने काफी प्रयोग किया, और कहते हैं कि लगातार 3 साल उनकी यही साधना रही, और वो कुछ करते ही नहीं थे, बस लेट जाते थे। जैसे मैं दिखा रहा हूं, और शरीर को ऐसा छोड़ देते थे जैसे हैं ही नहीं, और फिर एक जगह छत के ऊपर दृष्टि फिक्स कर देते थे किसी एक बिंदु पर, और उसको तन्मय होके देखते रहते थे। बहुत साधारण सा तरीका जान पड़ेगा आपको, कि लेट जाना, शरीर को शिथिल छोड़ देना और एक जगह देखते रहना। क्योंकि आज के जितने गुरु हो रहे हैं वो बहुत ध्यान की कॉम्प्लिकेटेड विधि, बहुत ही कठिन चीजें ध्यान के नाम पे बहुत गड़बड़ झाला पैदा कर दिया है। जैसे लगता है कि ध्यान ना रहा हो एक कठिनाई हो गई हो। वहीं गोरखनाथ कहते हैं कि हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, कि ध्यान जैसे हंसना और खेलने जैसा है, सहज साधो सहज समाधि। ये समाधि बहुत सहज है, इसको साध लो। हम इसको असहज कठिन इसीलिए पाते हैं क्योंकि हम खुद से जुड़ने का जो सहज हमारा स्वभाव है उससे हम दूर हो चुके हैं, हम कोसों दूर हैं आज अपने से। लेकिन मेहर बाबा ने जब इस विधि को लगातार 3 साल तक अजमाया तो उनके अंदर जबरदस्त रूपांतरण आया। और ताज्जुब की बात है, एक कहानी उनके जीवन से संबंधित है,
कि एक बार वो यूरोप के टूर पे जब आगे गए, अमेरिका पहुंचे, तो वहां एक व्यक्ति जो किसी के भी सामने बैठ जाए और आंखें बंद करके वो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो बता देता था, और 100% वो सही होता था। 100 बार प्रयोग किए गए, कमोबेश विचार में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन मूल बात वो समझा देता था कि आपके मन के अंदर क्या चलता है। एक बार उसको मेहर बाबा के पास लाया गया। मेहर बाबा उधर शांत होके बैठे थे, उनकी मौन भी एक साधना थी। मेहर बाबा ज्यादातर समय मौन रहे, बहुत अल्पकाल उन्होंने कुछ कहा है, इवन संकेत के जरिए वो अपने मैसेज देते थे, बोलते भी नहीं थे। तो मेहर बाबा बैठ गए, वो व्यक्ति भी बैठ गया आंखें बंद करके, और उसका जो तरीका था कि आपका मन उसके मन से जुड़ जाए, और सारा मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, योग यही कहता है, एक मन को जान गए तो सब मन को जानने लगते हो। और जब मेहर बाबा के सामने उसने आंखें बंद करके विचार को पढ़ना शुरू किया तो कोई विचार ही पकड़ में नहीं आता था, और बीच बीच में वो व्यक्ति आंखें खोल के देखता था मेहर बाबा यहाँ है या नहीं है, क्योंकि उनका एक रडार था कि इतने दूरी पर व्यक्ति रहे तो उसके विचार के अंदर क्या चल रहा है उसको मैं समझ सकूंगा। उनको बीच बीच में आंख खोलना पड़ता था, मेहर बाबा वहीं थे, लेकिन मेहर बाबा ऐसे थे, ऐसे रहते थे जैसे शून्य हो, जैसे कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो, खाली हो। तो उन्होंने पूरी तरह से खाली कर रखा था अपने आप। और आप भी जैसे इस विधि को अपनाएंगे आप खाली होंगे। पहले शरीर मिटेगा, पहले शरीर छूटेगा, फिर मन छूटने लगेगा, सांसों का बोध जाता रहेगा, बस देखते जाइए, विटनेस बनते जाइए, साक्षी को उपलब्ध होइए, और फिर आपके अंदर रूपांतरण आएगा। मेहर बाबा ने तो 3 साल इस पर साधना की, मैं तो कहता हूं आप 21 दिन तक बिना रुके इस विधि को अजमाइए, और उसके बाद आपके अंदर जो शक्ति का जागरण होता है उसका अनुभव बांटिए। योग का सिद्धांत यही है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं है जिसको लाने की जरूरत है, शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन मन के जरिए हम अपनी शक्ति को खो चुके हैं। जैसे बचपन में हम लोग करते थे, सूर्य के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास, एक लेंस रख देते थे और पेपर रख के जला देते थे। आप उसी पेपर को घंटों सूर्य के सामने रखिए, जलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही एक लेंस लगता है सूर्य की सारी बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह पे आ जाती है, और वो बिखरी ऊर्जा पेपर को जला देती है। ठीक उसी तरह हमारा मन हमारी ऊर्जा को हर दिन विचारों के जरिए बिखेर रहा है। जैसे ही आप योग की साधना की विधि धीरे धीरे अपनाएंगे, जिसमें आप ठहरते हैं, भागते दौड़ते नहीं हैं, रुकते हैं, और वो विधि कई तरह की हो सकती है। तंत्र ने 112 विधि बताई है ध्यान की, उसमें से एक ये विधि है जिसमें मेहर बाबा ने अप्रत्याशित प्रयोग किए थे, और वो कहते हैं उन्होंने अपने आत्मा की आवाज, जब आप इस विधि को अपनाने लगते हैं, अपने साथ जुड़ने लगते हैं, तो आपके भीतर की जो आवाज है वो आपको सुनाई पड़ने लगती है। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में फिर घटित होती है जो अप्रत्याशित है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपको भविष्य दिखने लगता है। तो ये विधि बहुत सरल है। सबसे पहले आप जो लेटें उस लेटने का ध्यान रखें कि आपके पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और आप सो जाएंगे सीधा पीठ के बल। आपका जो भी फ्लोर हो वो फ्लैट हो, आपका शरीर दबे नहीं, पलंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो, और पैर को ढीला छोड़ दीजिए, स्पाइन नेक एक लाइन पे हो, हथेली आसमान के तरफ। पहले आप हर तरह से शरीर को एडजस्ट कर लें कि आपको कंफर्ट फील हो रहा हो। जब एक बार एडजस्ट हो जाए शरीर का हलचल पहले बंद करें, शरीर को एकदम इस तरह से छोड़ दें, फील करें, पहले 2-4-5 मिनट शरीर को फील करें कि शरीर धरती के अंदर समाता जा रहा है, आप मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, शरीर मिट चुका है,
फिर सिर्फ सांसें आपकी आ रही है जा रही, उसको फील करें। और फिर सांसों के बाद बहुत देर तक 5-10 मिनट जब सांसों पे आपका फोकस बढ़ता जाए, अपने ध्यान को छत पर किसी एक बिंदु पर फिक्स कर दे। आप बिंदु की जगह कोई एक पेपर जिसमें आप निशान लगा करके चिपका सकते हैं, रेड जैसा कुछ भी आप उसको, ताकि टकटकी लगा कर देख सकें। और बने रहिए इसी तरह। बहुत सरल विधि है, आप आजमा के देखिए। और इसके बाद आपका अनुभव क्या है, पहले शरीर शून्यता, फिर मन की शून्यता, मन में एक शांति आएगी। और जो शरीर से मन से शून्य है, शांत है, वो स्वास्थ्य को प्राप्त होगा। और बाद में वो आंतरिक शक्तियां आपके सामने प्रकट होने लगेगी, जिससे आप अपने होने का खजाना प्राप्त कर पाएंगे। कस्तूरी मृग बसे, जैसे हिरण के नाभि के अंदर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन वो भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक उसी तरह हम मनुष्यों का हाल है कि हम अपने अंदर की शक्तियों से अनभिज्ञ बाहर भटक रहे हैं। आप जुड़े तो ही, योग मतलब होता है जुड़ना, लेकिन किससे, खुद से। मन आपको दूर ले जाता है और योग आपको करीब लाता है, लेकिन योग की विधि सही सही हो। योग के नाम पे कचरा जो परोस रहे हैं, उस विधि से कोई लाभ नहीं होगा। समय गुजरेगा, परिवर्तन नहीं आएगा। वो उसी तरह की बात होगी जैसे बालू से आप तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बालू को बहुत पिरोइएगा, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन तेल कभी नहीं आएगा, क्योंकि गलत जगह आप अपना श्रम लगा रहे हैं। इसलिए विधि होना बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन में किया गया अभ्यास जरूरी है। और आप ये साधारण अनुभव को जो आपके जीवन में घटित हो उसको जरूर बताइए, शेयर कीजिए। मेहर बाबा की इस विधि के लिए आज इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे उसके लिए जो बेल है उसको क्लिक करें, और अच्छी चीज़ को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर अच्छी विधि जन जन तक पहुंचे, और इस जन जन हित के कार्य में आपका योगदान जरूर हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।